हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमारे एक व्यूवर है और स्टूडेंट भी रह चुके हैं, मिस्टर एस गुप्ता। उन्होंने मुझसे, सुशील गुप्ता उनका पूरा नाम है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है कि हाउ कैन हाइड शीट दैट नो अदर कैन ओपन। तो किसी पर्टिकुलर सीट को हाइड कैसे चाहते हैं ताकि कोई भी उसको अनहाइड ना कर सके। अब सीट क्या होता है, एक बार जानते हैं, हाइड कैसे करते हैं उसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए सीट वन को मैं हाइड करना चाहता हूं, तो आप इसको राइट क्लिक करके इसको हाइड पे क्लिक कर दीजिएगा, तो क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा। और कोई भी जब अनहाइड करना होगा तो इसको अनहाइड कर सकता है। अब कोई भी इसको अनहाइड ना कर सके, इसके दो प्रोसीजर हैं। आप हाइड करने के बाद अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर दे, रिव्यू में जाइए और यहां पे प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहां पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक्सेल फाइल आपकी ओपन होगी, सीट के अंदर काम होगा, सब कुछ हो सकता है, बट आपका स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्ट हो गया। कोई भी इसको अनहाइड, हाइड, अनहाइड और बाकी और भी चीजें जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, शीट के ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक कि पासवर्ड के साथ उसको अनप्रोटेक्ट नहीं करता है। मैं दोबारा बताता हूं कैसे किया मैंने। आप हाइड कर दीजिए, फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाए, यहां पे अपना पासवर्ड डालें, पासवर्ड को कंफर्म करें। कंफर्म करने से ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्लियर कहता है कि इफ फॉरगेट ए लॉस इन फॉरगेट इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो आप पासवर्ड उसी तरह से डालें जो कि आप भूले ना। अब मैं इसको हाइड एंड हाइड नहीं कर सकता, और हाइड एंड हाइड के साथ कोई सीट भी इंसर्ट नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता, रिनेम भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, पर बाकी जो काम हो रहा है वो होगा। वापस से मुझे सीट के अंदर कुछ करना होगा तो अनप्रोटेक्ट करके कर लूंगा। ये तो पहला तरीका था। मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह के प्रोटेक्शन भी नहीं करना चाहता हूं और मेरा कोई सीट भी हाइड अनहाइड ना कर सके, तो उसके लिए आपको जाना होगा डेवलपर में और जाना होगा आपको प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ सीट वन दिख रहा है, यहाँ पे विजुअल दिख रहा है, विजुअल मैंने इसको कर दिया वेरी हिडन। अब इसको अनहाइड करने के लिए सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कैसे अनहाइड होगा। अब मान लीजिए विजुअल बेसिक पे गया और मैंने इसको यहाँ ऑब्जेक्ट वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाके अगर मैंने प्रोटेक्शन में इसको लॉक कर दिया और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, तो क्या होगा कि बिना पासवर्ड के कोई भी पर्सन मेरे कोड को नहीं देख सकता है। जब कोड को नहीं देख पाएगा तो प्रॉपर्टी भी आई थिंक नहीं दिखना चाहिए। अब इसको इंश्योर करने के लिए मैं एक बार इसको सेव करके ओपन करके वापस देखता हूँ, क्योंकि जब तक ये री ओपन नहीं होगा पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं होगा। हम इसको री ओपन करते हैं, वन टू नाम का फाइल है, हम इसको री ओपन करते हैं। तो सब काम हो रहा है, सीट यहां से हाइट दिख रहा है, अनहाइट में कुछ है ही नहीं। अगर मान लीजिए नॉर्मली आपने हाइट भी किया और यहां से आप अनहाइट करते हैं तो अनहाइट लिस्ट में सिर्फ आपका सीट टू दिखेगा, सीट वन नहीं दिखेगा। डेवलपर में आते हैं, प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए एक कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। जी हाँ, कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टी जब कब शो करेगा, जब आप विजुअल बेसिक पे जाएंगे और अपने कोड का पासवर्ड डालेंगे, तब जाके आपकी प्रॉपर्टीज यहां से या बाहर से शो होगी। शो रही है अब, यहाँ पे सीट वन का, सीट वन पे वन डाली है, तो आज सॉरी सीट वन यहाँ से होगा, फिर यहाँ से करना पड़ेगा आपका, क्योंकि वो हाइड है ना। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होता है, और यहाँ से इसको सीट वन को सेलेक्ट करके वेरी हिडन की जगह पे विजुअल कर दीजिए। विजुअल हो गया, अब यहाँ पे देखिए सीट आ गया। अब दो तीन तरीके हमने आपको बताए, आपको जो तरीका अच्छा लगता है
वो आप यूज कर सकते हैं। बाद बाकी आप चाहो तो मेरी वेबसाइट पे जाके मेरी कोर्सेज को भी देख सकते हैं, आईपीटी इंडिया। IPTIndia.com पे जाके देख सकते हैं या फिर मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने अपनी वेबसाइट अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ला रखी है, आप कर सकते हैं। जहाँ मेरा नंबर भी है मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।